पोस्टल इनकम टैक्स सेल्स सर्विस, तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों को अब योग कंपलसरी हुआ है, उनको करना पड़ेगा लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो इसके लिए अब सरकार योग शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलेगी और तब जाके ये सब 1 से 1.5 करोड़ लोग योग करेंगे। अब 1 से 1.5 करोड़ लोगों को अगर योग सिखाना है तो कितने योग शिक्षक लगेंगे? 2 से 3 लाख योग शिक्षक चाहिए, तब जाके वो सब लोग योग कर पाएंगे। तो इसकी अब प्रक्रिया शुरू की है। आरपीएल का नाम आपने सुना होगा, आरपीएल और प्रधानमंत्री कौशल विकास, इनके माध्यम से बच्चों को पैसे देते हैं वो कि आप ये कोर्स कर लो। नहीं तो आज तो उल्टी गंगा थी कि हमें कोर्स करना है तो पैसे हमें देना पड़ता था, अब सरकार बच्चों को पैसा दे रही है कि ये कोर्स कर लो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास के माध्यम से अब योग शिक्षक बनाने का भी काम शुरू हो गया है। तो इनके लिए भी बहुत सारे रोजगार के अवसर है। और इतना ही नहीं, जैसे केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना है आपने, ये केंद्रीय विद्यालय पूरे भारत देश में 2 से 3 हजार है और हर केंद्रीय विद्यालय की एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आती है, कभी खोल के देखना, नीचे लिखा रहता है योग टीचर नीडेड। कितनी सैलरी दे रहे मालूम है? 27,000 रुपए बेसिक, यानी 40,000 रुपए पगार दे रहे हैं केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे इनको भी अब योग शिक्षक चाहिए। अभी तो मैंने केंद्र सरकार का बताया, अब राज्य सरकार ने क्या क्या किया है सुनिए। आपके ये सरकार ने भी किया है, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अपना राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों ने अब अपने सरकारी ऑफिसेस में और सरकारी स्कूल में योग को कंपलसरी करना शुरू कर दिया है। तो आप एक बार जीआर आया कि नहीं चेक कर लेना, तो वहां पर भी योग चाहिए, पुलिस लाइन में भी सारे योग शिक्षक चाहिए, हमारे जिला प्रभारी बहुत सारे वहीं आज नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे